रूप चौदस यानी महिलाओं और युवतियों के लिए सौंदर्य निखारने का दिन। इस दिन के अलग अलग महत्व हैं। पहला, इस दिन महिलाएं युवतियां अपने रूप को निखारती हैं। दूसरा, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था, जिस कारण इसे नरक चौदस भी कहा जाता है। इस दिन उपटन और तेल से नहाने का रिवाज है। परंपरा से हटकर अगर देखा जाए तो इस दिन का अपना एक अलग ही महत्व है। कामकाजी और व्यस्त महिलाओं के लिए अपने रूप पर ध्यान देने का अनूठा अवसर है। दिवाली के कामकाज की थकान मिटाने का एक अच्छा जरिया भी है ये। घर पर श्रृंगार के साथ साथ ब्यूटी पार्लर्स में जाकर के हर्बल मसाज, आईब्रो, फेशियल, क्लीनअप, वैक्स, हेयर स्पा, हेयर स्टाइल, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर कलरिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, मेकअप, वन डे हाइलाइटिंग करवाने का भी चलन बढ़ा है। शहर के सांगनेर रोड स्थित कृष्णा ब्यूटी पार्लर संचालिका जयराधीश ने बताया कि रूप चौदस पर अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा भीड़ रहती हैं। ज़्यादातर महिलाएं युवतियां फेशियल, हेयर स्टाइल, हेयर कलरिंग, आईब्रो करवाने आती हैं। वैसे अब कुछ नए ट्रेंड भी देखने को मिल रहे हैं। पहले शादियों में जाने से पहले मेकअप करवाया जाता था, लेकिन अब तीज त्योहारों पर भी महिलाएं मेकअप करवाने के लिए ब्यूटी पार्लर में पहुंचती हैं। भारत का सबसे बड़ा पर्व दीपावली है और इस दिन हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। रूप चौदस, जैसा कि आप सबको विदित है कि दीपावली के एक दिन पहले यह पर्व मनाया जाता है, जो कि महिलाओं की सुंदरताओं की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन महिलाएं अपना रूप निखारने के लिए पार्लर जाती है। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि शादी ब्याह में ही फेशियल, आईब्रोज, वैक्सिंग वगैरह करवाई जाती थी, लेकिन आजकल जो महिलाएं हैं, आजकल जो ट्रेंड हो गया है, वो तीज त्योहारों पे भी होने लग गया है। तीज त्योहारों पे भी महिलाएं बहुत आकर्षित रहती है पार्लर की तरफ जाने के लिए। ब्यूटी पार्लरों पे बहुत भीड़ रहती है और बहुत रौनक रहती है, और हर कोई औरत अपने आप को सुंदर दिखाना चाहती है, खूबसूरत दिखाना चाहती है। और वैसे तो ये त्यौहार सुंदरता के लिए है, लेकिन मैं सभी महिलाओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने तन को सुंदर बनाने के साथ साथ अपने मन को भी सुंदर बनाएं। यही मेरा आज के लिए संदेश है सभी महिलाओं से।